तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और हर हर महादेव। और अभी बज चुका है सुबह का 10:15 और मुझे नहाना है। मैं अपने दोनों रूम की सफाई कर चुकी हूँ और आज है मेरा बर्थडे, तो आज देखते घर में क्या स्पेशल होता है। और सुबह सुबह मेरे सारे दोस्तों के कॉल आ रहे थे, मेरे घर से फ़ोन आ रहा था और मैं बिजी हो गई थी बात करने में। और अब हम फटाफट नहाते हैं और नीचे जाके देखते कि मेरे लिए आज क्या स्पेशल बन रहा है। फिर मिलती हूँ। मैं नीचे गई तो जाके देखा, मेरी सासू माँ मेरे लिए मंचूरियन बना रही थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे लिए इतना कुछ बन रहा है। उन्होंने बोला था तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो उन्होंने बोला तेरे लिए मैं तुझे पसंद है तो बनाती हूँ। तो मेरे लिए उन्होंने मंचूरियन बनाया और उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया। मतलब इतना टेस्टी हो रहा था ना घर का, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। खा के मतलब ना दिल खुश हो गया यार, मज़ा ही आ गया। कल तो खा के हमने दिन में ही खा लिया था ये, कि शाम को बाहर गए थे। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमने दोनों फ्रेंच फ्राइज़ और मंचूरियन को साथ में ग्रेवी के साथ बनाया था, बट ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी। सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। आजकल मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं कि 4-5 लोई को बना करके एक साथ बेलो, फिर रोटी अलग अलग हो जाती है। बट मैंने भी ट्राई किया, मैंने तो ट्राई किया कि बनाती हूँ, बट मेरी रोटियाँ तो छोड़ो, मुझसे तो ढंग से बिल भी नहीं रहती, कैसे बेलना है करके उसको। मेरी मेहनत तो ख़राब हो गई। मैंने तो खाली लोई वगैरह बनाए थे और ट्राई किया, बट मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैंने तो अपने ही जो डेली का रूटीन है रोटी बनाने का, फटाफट साइड से लोई बनाई फिर बनाई। मैं सोच रही थी कि ट्राई करती हूँ कि सच में ऐसा होता है नहीं होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सच में ऐसा होता है या मेरे से ही नहीं हो पा रहा ये। जिन लोगों ने ये हैक ट्राई किया था प्लीज़ मुझे भी बताना कैसे करना है, क्योंकि मेरे से तो नहीं हुआ। और पहली रोटी मैंने बनाई अपनी गाय माता के लिए, क्योंकि मैं डेली ही गाय माता के लिए रोटी बना के साइड करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में यहाँ पे सुबह नाश्ते में हम लोग पराठे वगैरह नहीं खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, कुछ और नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ नहीं खाते हैं। मेरे घर में होते, अगर हम पहाड़ में होते तो पहाड़ में तो भाई हम सुबह नाश्ता मतलब पराठे और या रोटी के साथ ही होता है। हम लोगों का ऐसा किसी चीज़ से पेट नहीं भरता, बट यहाँ पे आके मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेती हूँ। और दिन में रोटी तो हम खाते नहीं वहाँ पे, ये तो वही हमारा तो दाल भात ही होता है, बट यहाँ पे आके रोटी भी खा लेती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ पड़े पड़े एक तो वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा मेंटेन करके रहना पड़ता है, तो इस वजह से। और आजकल भी मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। अब मैंने फटाफट अपनी रोटी बनाकर तैयार करी, ये मेरा दिन का खाना था। पर मैंने दिन में कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरा तो पेट ही फुल था। अभी हम जा रहे हैं मेरे लिए कुछ खरीदने के लिए, और वो क्या खरीदने जा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, वो सरप्राइज़ है। जिसने सरप्राइज़ दिया है वो तो चले गए ऑफिस, बट मुझे ही लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी वहां से मैं क्या लेकर आई हूँ। अभी मैं वहां से आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और इसके साथ मैं आज खाऊंगी नमक पारे, मतलब इसको यहाँ तो नमक पारे कहते हैं और वो कहीं पे खस्ते कहते हैं, तो आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं मुझे बता दीजिएगा। फिर मिलती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे प्यारा सा गिफ्ट पायल, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। और मुझे पतली पतली पायल चाहिए थी और मैंने बोला था मुझे ये चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग गए बाहर और मैं चेक कर रही थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग खा के तो वैसे भी हमारा हो रखा था पेट फुल। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसी फास्ट फूड वगैरह खाया और हमने देखा कुछ पेस्ट्री वगैरह पसंद आ रही है नहीं आ रही है। फिर यहाँ हम केक के ले गए, क्योंकि मुझे केक तो चाहिए नहीं था, ऑलरेडी हम लोगों ने प्लानिंग किया था केक नहीं खाएंगे। फिर मैं पेस्ट्री लेके अपने यहाँ आ गई। और तो हेलो गाइस, हम लोग बाहर से जाकर आ चुके हैं और भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दिया। बोल रहे खाने आइए, कोई क्या सोचेगा कोई क्या सोचेगा कोई क्या सोचेगा। और भाई मजे से हम तो खा पी के आ चुके हैं और हम केक वगैरह लाए नहीं, बस पेस्ट्री कट करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं और ससुराल वाले भी नहीं खाते हैं, मेरी सास को शुगर वगैरह है, तो इस वजह से तो ज़्यादा मीठा हम लोग खाते ही नहीं है। इस वजह से केक इस बार हमने बोला नहीं लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा केक आता है फिर मीठा वगैरह सभी लोग खाते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा थोड़ा मीठा कम ही खाती हूँ। बस मैं खुद के लिए एक पेस्ट्री खरीद के लाई हूँ, उसी को थोड़ा कट करूँगी। फिर मिलते हैं। जिसका बर्थडे है ना भाई, वो खुद ही अपने लिए केक पेस्ट्री मंगवाई है और वही जलाएगा। ये देखिए, इसको रखते हैं साइड को। थोड़ा सा इसे सूट कर दो। अब मैं ऐसी ताली बुला लेती हूँ कि मेरे ही बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। यार तुम पहले भी फटाफट फोन में अपना फोटो खींचो, अपने फोन में फटाफट फोटो खींचो। दोनों काम साथ साथ चलाते रहो।
हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू मी, ये खाइए आप। ये अलग टेक्निक ये मैं मुझे तो खिला दो यार, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा। मस्त मजा आ गया। और मैं भाई जिंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच चुकी हूँ, अब मुझे बस बुढ़िया होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 साल लगेंगे फिर मैं बुढ़िया हो जाऊंगी। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलूंगी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।